हेलो दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो आपका यूपीएससी सीएमएस एग्ज़ाम हुआ है लास्ट 2020 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उससे क्यों एमसीक्यू आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो ये आपका मेरे सेकंड पेपर के एमसीक्यू हैं। तो इस पहला क्वेश्चन इसके अंदर था कि इंडिकेशन ऑफ फेसिटोमी इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंडीशन में हम फेसिटोमी नहीं करेंगे। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट उसका आंसर नहीं पता होता, लेकिन जब हम एक्सक्लूड करना भी बहुत एक अच्छा तरीका होता है जिससे हम आंसर पूछ सकते हैं। जैसे पहला है कि डिस्टल सेंसरी डिस्टरबेंस, कि मतलब आपका उस जो रीजन है उसके आगे आपका सेंसरी डिस्टरबेंस है, ठीक है, कुछ टाइम तक हम इस पर क्वेश्चन मार्क रखते हैं। सेकंड आता है कंपार्टमेंट प्रेशर मोर देन 30 mmHg, ठीक है। उसके बाद आता है पेन ऑन पैसिव मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड मसल, ये भी एक कंडीशन हो सकता है कि रिक्वायरमेंट हो। लेकिन लास्ट है पैल्पेबल डिस्टल पल्सेस, कि मतलब आपका कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर मेनली दोस्तों आपका यदि सीवियर केस है जिसके अंदर फेसिटोमी रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ पर आपका कंपार्टमेंट सिंड्रोम के आगे आपके पल्स हमेशा अब्सेंट रहती हैं। लेकिन इस केस के अंदर ऑप्शन दे रखा है पैल्पेबल, तो मतलब इस केस के अंदर तो हम करेंगे नहीं, बाकी अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कई बार हमें यदि आपने ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट कंपार्टमेंट सिंड्रोम पढ़ा भी नहीं है तब भी आप इसके आंसर तक पूछ सकते हो, ठीक है। एक ये तरीका होता है आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का। सेकंड क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नेक्रोटाइजिंग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है रिपीटेड स्किन ब्लिस्टरिंग एंड फोकल स्किन गैंग्रीन आर द टिपिकल प्रेजेंटिंग फीचर, ठीक है, ये तो नॉर्मल रहते हैं। उसके बाद आता है दे आर मोनोमाइक्रोबियल नेचर। थर्ड आता है आपका ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ वाइड लोकल इंसिजन एंड अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, टिश्यू बायोप्सी इज रिक्वायर्ड फॉर कल्चर एंड डायग्नोसिस, ठीक है। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन आप जो पहला पॉइंट होता है नेक्रोटाइजिंग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के अंदर, कि जो इसके अंदर इन्फेक्शन करवाते हैं वो पॉलीमाइक्रोबियल होते हैं, इसके अंदर एरोबिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और एनारोबिक भी होते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन है ना वो आपका कैरेसिड मोनोमाइक्रोबियल, तो इस ये आपका ऑप्शन गलत है। लेकिन जैसे बाकी तीन है वो आप थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज़ करते हो तो क्रिपिटस स्किन ब्लिस्टरिंग और प्रेजेंट हो सकता है इन्फेक्शन के अंदर, एंटीबायोटिक और लोकल इंसीजन हम दे सकते हैं और टिश्यू बायोप्सी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये बाकी आपको इतना कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन मोनोमाइक्रोबियल हमें नहीं, ये हमें नहीं करते हैं। तो इसके अंदर था डिस्टल पल्सेस, इसके अंदर है मोनोमाइक्रोबियल इन नेचर, आपका रॉन्ग आंसर है। तीसरा आता है विच टाइप ऑफ सर्जरी इज लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टाइड क्लासिफाइड एज। देखिए इसको डिवाइड समझने के लिए हमें चार टाइप के पहले पढ़ने पड़ेंगे, वुंड कौन से टाइप के होते हैं या सर्जरी कौन कितने टाइप की होती हैं। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं चार, वो चार टाइप के होती हैं, ठीक है, क्लीन कंटेमिनेटेड कॉन्टेमिनेटेड डर्टी। देखिए क्लीन क्या होता है कि जब हम आपका कोई ट्रैक्ट है ना, GI ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, और आपका जितने भी आपके ट्रैक्ट हैं बॉडी के अंदर उसके अंदर हम एंट्री नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मैसेक्टोमी करते हैं हम, ठीक है, ब्रश रिमूव करते हैं, आपका इंग्लैंड रिपेयर करते हैं। एग्जांपल इसका फर्स्ट क्लीन के अंदर कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा आपको पहले इसको, वो आ जाएगा आपका नंबर वन आपका हर्निया का जो रिपेयर है वो आपका क्लीन के अंदर आता है। एक आपका मैसेक्टोमी है वो इसके अंदर आता है, ठीक है, ये क्लीन के अंदर आते हैं। सेकंड आता है क्लीन कंटेमिनेटेड, मतलब है कि हम इसके अंदर मेनली एंटर करते हैं GI ट्रैक के अंदर, लेकिन मिनिमली आपका इसके अंदर ज़्यादा आपका रोल नहीं होता, सूचर किया और वापस आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल आप हम गोल ब्लैड रिमूव करते हैं, हम आप जो CBD स्टोन बाहर रिमूव करते हैं वो आपका ट्रैक तो है, एलिमेंट कनाल के अंदर आता है आपका, ये एक लीवर, ये इनके अंदर हम एंटर तो कर रहे हैं, लेकिन आपका जो इलेक्ट जो एक्सटर्नली कोई ऐसी चीज़ उस वहाँ पर नहीं है जो आपका होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आते हैं आपका ट्रैक्ट के अंदर, एंटर करने के बाद जो भी ऑपरेशन होते हैं जैसे आपका कोलेसिस्टेक्टोमी, लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, CBD स्टोन रिमूव करते हुए वाला ऑपरेशन, वो आपके आते हैं क्लीन कंटेमिनेटेड के अंदर। तीसरा आता है कंटेमिनेटेड के अंदर दोस्तों कौन से आते हैं, कंटेमिनेटेड के अंदर आते हैं जो आपके जैसे गैस्ट्रिक परफोरेशन है, आपका पेप्टिक परफोरेशन है, वहाँ से आपका जो भी कंटेंट है वो आपका यदि पेरिटोनियम के अंदर आ जाता है, एब्डोमेन का स्पेस है आपका पेरिटोनियम वहाँ पर आ जाता है, तो वो आपके कंटेमिनेटेड आते हैं।
डर्टी के अंदर देखिए जो फिकल मैटर आ गया, फिकल पेरिटोनाइटिस, और आपका जो ओपन फ्रैक्चर है या क्वालिटी है वो आपके डर्टी वुंड के अंदर आते हैं या डर्टी सर्जरी के अंदर आते हैं। ठीक है, मैं लिए चार टाइप के होते हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हो। जो मैंने याद किया है वो आप समझने की कोशिश की कि पहला है जो आप किसी भी ट्रैक्ट के अंदर नहीं घुसते हो, सेकंड क्लीन कनेक्ट में तो घुसते हो मिनिमली, थर्ड होता है जब आपका नॉर्मली हम बिना घुसे ही कुछ मटेरियल को बाहर आ जाता है, जैसे परफोरेशन से आपका कुछ मटेरियल बाहर आ गया, उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो गया, परफोरेशन एक एग्जांपल है। चौथा आपका फीकल पेरिटोनाइटिस हुआ, या आपका जो आरटीए केस होते हैं वो आप मेनली डर्टी सर्जरी के अंदर या डर्टी वुंड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सेकंड, क्लीन कंटामिनेटेड। नेक्स्ट आता है आपका 22 ईयर फीमेल, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं पहले। तो पहला जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है आपका, ये 22 ईयर फीमेल हैज प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ मेलेज, कफ, अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन, डायरिया विद इंटरमीडिएट एब्डोमिनल पेन। देखिए, आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो लेंथ वाले क्वेश्चन आए, तो आपको हमेशा कुछ पॉइंट आपको देखने होते हैं जो आपको वो होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, 6 मंथ इसके अंदर बता रखा है, 6 मंथ केस में यार अपेंडिकुलर बहुत कम चांस होते हैं, अपेंडिकुलर आपका बहुत कम टाइम के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट करती हैं। इसके साथ साथ देखिए एक चीज़ और है, कफ है, अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है। नॉर्मल जो ट्यूबिकलोसिस होता है वो आपके पल्मोनरी स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका एस्टापल्मोनरी के अंदर आप इंटेस्टाइनल में जाता है, उसके बाद आपका उस वहाँ ऑपरेशन करवाता है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन डायरिया होता है। देखिए, तो एक कफ है ना इसके अंदर, ये मेन डिसाइडिंग आपका जो वर्ड है इसके क्वेश्चन के अंदर, जो आपका पूरा क्वेश्चन बहुत कम टाइम के अंदर सोल्व कर देगा कफ मतलब, और बाकी के अंदर कफ का कोई ज़्यादा करेक्शन नहीं है, पेंडिकुलर लैम, कार्सिनोमा, सीकम, ओवेरियन मास, तो सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस के अंदर कफ का रोल रहता है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, इलियोसीकल ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सी सारी चीज़ें ना पता होते हुए भी आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका कि नीडल स्टिक इंजरी है, उसमें हम कौन से चीज़ें देखेंगे। इंजर्ड पार्ट शुड बी वॉश्ड अंडर रनिंग वाटर, ये तो नॉर्मल है, कर सकते हैं, वैसे प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है डोमिनेंट इंडेक्स फिंगर इज द कॉमन साइट ऑफ नीडल स्टिक इंजरी। देखिए, एक बार आप सोचिए कि जब भी आप नीडल प्री करते हो, कौन से हैंड से करते हो, आपके डोमिनेंट हैंड से करोगे, डोमिनेंट हैंड से करोगे तो डोमिनेंट हैंड से खुद उसी हैंड में स्टिक इंजरी के बहुत कम चांस होते हैं। मेनली जो होता है कि हम दूसरे जो हैंड है आपका नॉन डोमिनेंट उसको पकड़ रखा है, उससे दूसरा हैंड पकड़ रखा है, मेनली नॉन डोमिनेंट हैंड को इंजरी होती है, स्टिक होती है। ठीक है, तो आपका ये कॉमन सेंस से गलत आता है, आज नीडल स्टिक इंजरी शुड बी रिपोर्टेड, ये हो सकता है। हेपेटाइटिस HIV टेस्टिंग हमें करना चाहिए, उसके बाद हम आपका कोई जो रेजिमेन है वो ले सकते हैं। तो आपका 134C आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चनों को प्रोसोइड कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। एक लास्ट 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन के अंदर आता है कि नंबर 1 आता है स्टेटमेंट क्लोडिकेशन के बारे में आपको बताना है। क्लोडिकेशन में देखिए, नंबर 1 आता है कि इसके अंदर करेक्ट पूछ रखे कौन सी करेक्ट है। इट इज़ द मार्कर ऑफ साइलेंट कोरोनरी डिजीज़, ये समझ में आता है कि आपका मेनली एम्बोलिज्म हुआ, एम्बोलस फॉर्म होता है, उसकी वजह से क्लोडिकेशन कई बार हो जाता है, तो साइलेंट कोरोनरी डिजीज़ को एक लग हो सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम लीड टू इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम, कि जो यदि हम एक वीक के अंदर 2 आवर ये प्रोग्राम एक्सरसाइज करते हैं 3 मंथ के लिए, तो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक सही बात है। लेकिन तीसरा आता है डायबिटीज मेलिटस इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीवियर ट्यूबरकुलोसिस, ये भी कॉमन सेंस लग रहा है कि डायबिटीज़ के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन आएंगी उसकी वजह से आपका इम्बोलिज्म, थ्रोम्बोस बन सकता है और आपको क्लोडिकेशन हो सकता है। बीटा ब्लॉकर आपका मे एक्सर्ट क्लोडिकेशन, ठीक है, क्योंकि आपका बीटा ब्लॉकर का क्या काम होता है, हाइड्रेट कम होता है, तो आप ब्लड फ्लो और हाइड्रेट उसकी वजह से हम मेनली बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं क्लोडिकेशन के अंदर, तो ये भी आपका एक सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्त, ठीक है, ये आपको 3 पॉइंट डायरेक्ट आपको नॉर्मल तरीके से आप समझ सकते हो। चौथा पॉइंट है, उसमें आपको याद रखना कि बीटा ब्लॉकर नहीं देते हैं, यदि आप थोड़ा क्लोडिकेशन पढ़ोगे ना उसके अंदर बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेनली कहा जाता है।
नेक्स्ट आता है आपका 50-year-old लेडी अंडरवेंट इनवेंटफुल बैरियाट्रिक सर्जरी फॉर मॉर्बिड ओबेसिटी ऑन द थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे, सी डेवलप ब्रेथलेसनेस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज सस्पेक्टेड। जो आपका ऐसे केस के अंदर यदि पल्मोनरी एम्बोलिज्म को भी पेशेंट के अंदर सस्पेक्टेड होता है ना, तो आपका मेनली हम ऐसा ही करेंगे जो आपका लंग्स लेवल पे हो, पल्मोनरी लेवल पे हो, और मेनली हम जो प्रिफेयर करते हैं वो होता है सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। ठीक है, ये आपका हम मेनली प्रिफेयर करते हैं कंफर्म करने के लिए। ठीक है, ये आप पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट को आपको। नेक्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिक क्राइसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो थायरोटॉक्सिक है ना, उसके अंदर आई फ्लूड भी देते हैं हम, और मेन जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए प्रोपोनोल देते हैं, और आपका सिस्टम के जो सिस्टम के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हो रही उनको कम करने के लिए हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं। एंटीबायोटिक का बहुत कम रोल होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा एंटीबायोटिक्स। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन इसके अंदर मेनली क्योंकि क्राइसिस है वहाँ पर हम इसको मेनली नहीं देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, ये पेशेंट ऑपरेटेड वो पैरेटिड ग्लैंड ट्यूमर डेवलप्ड सिम्टम ऑफ स्वेटिंग एंड एरिथेमा और द रीजन ऑफ सर्जिकल एक्सीजन व्हाइल ईटिंग द प्रोबेबल डायग्नोसिस इज। ये आपको फर्स्ट ईयर एनाटॉमी के अंदर जब पहली बार क्वेश्चन देखा ना मैंने इसको, तो मेरे दिमाग में फर्स्ट ईयर का आया, मैंने इसको बहुत टाइम पहले पढ़ा था। तो जो फ्रेश सिंड्रोम होता है कि हम पैरेटिड ग्लैंड रिमूव करते हैं, तो कई बार आपका जो पैरेटिड ग्लैंड रिमूव करने के साथ साथ एक कौन सी ओरिकुलो टेम्पोरल जो नर्व होती है उसके स्टिमुलेशन की वजह से आपका जब हम चीविंग करते हैं खाना खाते टाइम पे, तो वहाँ पर आपका स्वेटिंग होती है। तो इसका जो आंसर है वो आपका फ्रेश सिंड्रोम होता है। ठीक है, आपको इसमें इसको याद ही रखना होता है, ये आप क्वेश्चन आपको यदि पढ़ा है तभी आप इसको तुरंत आंसर दे पाओगे। लेकिन बाकी है, देखिए बाकी ऑप्शन है मेरे को, तो चलो मेरे याद है, लेकिन बाकी तीन है, पैरोटिड ग्लैंड फिचुला। फिचुला से क्या ही मतलब है स्वेटिंग का, क्रोनिक वाउंड इन्फेक्शन स्वेटिंग का कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, और सेलुलाइटिस आपका एक अलग ही कंडीशन आता है। ठीक है, लास्ट आता है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन विद मेटास्टेटिक कार्सिनोमा। तो आपका जो हम हॉर्मोनल थेरेपी के अंदर दो चीज़ें देखते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल और प्री मेनोपॉजल। ठीक है, यदि पोस्ट मेनोपॉजल है तो हम जो आपका टेमोक्सिफेन एलेक्सिफेन वो देते हैं, और आप पोस्ट मेनोपॉजल है उसके अंदर हम एरेटोमेज इनहिबिटर देते हैं, जिसके अंदर एनास्ट्रोजल लेट्रोजल ये आपके ड्रग्स आती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पोस्ट मेनोपॉजल है तो एनास्ट्रोजल आपका लेट्रोजोल ये आंसर होगा, और यदि आपका प्री मेनोपॉजल है तो टेमोक्सिफेन एलेक्सिफेन ये वाली कैटेगरी आप हम हार्मोन थेरेपी के अंदर देते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि किस क्वेश्चन देखे, तो आप ये इस टाइप के डिसीजन अच्छा लगता है, आपको बेनिफिट होता है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे हम बाकी भी वीडियो बना सकें। ठीक है, हम थोड़ा और अच्छी तरह इसकी क्वालिटी ठीक करेंगे, लेकिन हमने सोचा कि एक बार वीडियो बना के देखते हैं, उसके बाद आपको कैसे रिस्पॉन्स आता है उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे कि इस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।